का प्री वर्कआउट भी है और लैक्टोज फ्री प्रोटीन होता है, लैक्टोटैक है और टर्बो वे है। तो जय श्री राम भाइयों। तो भाइयों आज होने वाला है हमारा बल्किंग सीरीज का डे 7। तो देखिए ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, तो ब्रेकफास्ट जिनको अभी जानना है कि ब्रेकफास्ट में क्या होता है तो वो डे 1 वाली वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, तो आप डे 1 वाली वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो देखिए अभी मेरा सप्लीमेंट थोड़ा खत्म हुआ पड़ा है, तो आज के ब्लॉग में आपको मिलेगा कि कौन सा सप्लीमेंट मैं लेने जा रहा हूँ, क्या देख के मैं अपना सप्लीमेंट बाय करता हूँ। तो मुझे एक प्रोटीन और एक मास गेनर लेके आना है, तो आज आपको इसी ब्लॉग के अंदर में सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आया है, एक मेरे भाई हैं उनका कमेंट था, सर को बिगनर के लिए साइकिल बताएं। तो भाई एक बार आप थोड़ा सा सेंस लगाएं अपनी, मैं मान लीजिए कोई सॉल्ट आपको बता देता हूँ तो क्या लगता है आपकी बॉडी पे वो काम करेगा, और काम करा साथ में उसने साइड इफेक्ट दी तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप या मैं? क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो और आपको मैं बिना आपकी बॉडी के जाने ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, तो गलती दोनों की हुई ना, लेकिन खराब आपका मामला होगा कि साइड इफेक्ट आपको आएंगे बस। तो थोड़े समझदार बने, एक तो देखिए उन लोगों से बचें जो 1000-2000 रुपये में आपको स्टोर्ड साइकिल प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरा जो आपको बस अपने व्यूज के लिए रील में बता रहे हैं कि इस सामान को इस तरीके से लो, इसको इस तरीके से। तो देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो अगर कुछ आप चीज़ यूज़ भी कर रहे हो तो उसे किसी की गाइडेंस में यूज़ करो, ऐसे किसी की रील या किसी से इन्फ्लुएंस होकर यूज़ मत करो। चलिए भाई पहले अभी अपना सप्लीमेंट ले आते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा मैं और भी काम है मुझे, तो वो काम भी करने, तो सप्लीमेंट वाली वीडियो इसी ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो चलिए शॉप पे आ चुके हैं, तो फ्रेंड है उसकी शॉप है, तो देखते हैं कौन से गेनर हैं यहाँ पे। तो भाई देखिए अभी तक सीरियस मास चल रहा था, तो अब चेंज करेंगे अपना एनाबॉलिक मास से, तो दो कच्चे दे देते हैं इसके, जितना एक महीने तक चली जाएंगे, और एक प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में चॉइस देखिए, सब चॉइस है अपने, ये नाइट्रोटैक है और टर्बो वे है और अपना आइसो प्योर है। तो मैं तो यही सोच के आया हूँ घर से डेंस जेम्स, तो ये बढ़िया प्रोटीन है, लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, तो आइसोलेट है। और देखिए सभी लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आइसोलेट को गेनिंग में यूज़ कर सकते? तो भाई आइसोलेट का गेनिंग से और कटिंग से कोई मतलब नहीं होता, आइसोलेट का मतलब है कि लैक्टोज फ्री प्रोटीन होता है। तो थोड़े समझदार बने, बस उस चीज़ में ना पड़ेगी आइसोलेट है तो फैट लॉस करेगा, भाई आइसोलेट आपकी गेनिंग में भी यूज़ हो सकता है। और भाई प्रोटीन भी दो ही ले लेते हैं, क्योंकि दो ही बचे हैं इसमें, बस फिर बार बार ना आना जाना दिक्कत होती है। तो भाई ये अपना सप्लीमेंट हो चुका है, क्रेडिट है हमारे पास, नीता मैंने भी है। और देखिए अब आप लोगों के लिए छोटा सा और बता देता हूँ आपको, जिन भाइयों को कम बजट में प्रोटीन चाहिए तो भाई देखिए बढ़िया चॉइस है जीएनसी का। दूसरा देखिए रेड फॉर्मुलेट का वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कंसनट्रेट ब्लेंड है, ये भी बढ़िया चॉइस है कम बजट में। और देखिए अभी मेरा ये चल रहा था, आप सभी ने देखा भी होगा ब्लॉग के अंदर, तो जिन्हें ज़्यादा सर्विंग में चाहिए तो इसके अंदर 81 सर्विंग होती है और प्राइस भी जेन्युइन है, तो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, जिसको ज़्यादा सर्विंग में चाहिए। और भाई इंडियन में ये डीसी वाले हैं, तो इन्हें तो आप यूज़ करो ही मत, इससे बढ़िया आप जीएनसी यूज़ करो गेनर में। और देखिए टर्बो वे है, जिन भाइयों को ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसके अंदर पहले से क्रिएटिन वगैरह मिक्स मिले तो वो टर्बो वे यूज कर सकते हैं, टर्बो वे भी बढ़िया आपकी गेनिंग के लिए। और भाई स्पेशल फैट लॉस के लिए आप नाइट्रोटैक भी यूज कर सकते हैं या फिर आप आइसो प्योर यूज कर सकते हैं। देखिए आइसो प्योर फैट कटिंग नहीं है, लेकिन ये फैट कटिंग प्रोटीन है, ठीक है। और तो नॉर्मल एनाबॉलिक मास है, मास फैट है, तो मास फैट तो मैं अभी यूज कर रहा था। तो भाई यही सप्लीमेंट है, और थोड़ा प्री वर्कआउट की तरफ चलते हैं। देखिए क्रिएटिन का सबसे सस्ती मतलब कम बजट में सबसे बढ़िया जीएनसी है, इन ब्रांड की इतनी अच्छी मुझे लगती नहीं है, पर्सनली बता रहा हूँ, किसी ब्रांड को मैं डी प्रमोट या कुछ भी गलत नहीं, कि अपना जो मुझे अच्छा लगता है वो है कि जीएनसी और सबसे बढ़िया है इसमें। और देखिए मल्टीविटामिन अगर यूज़ करनी है तो ये भी अच्छी मल्टीविटामिन है, या फिर आप मसल टेक की यूज़ कर सकते हैं। प्री वर्कआउट में हाइड
और ऑन द प्री वर्कआउट भी है। और देखिए जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अपना पीवीएल का था, तो पीवीएल कहाँ फिट है? हाँ तो देखिए इसी ब्रांड, ये ब्रांड है इसका बीसीए, तो इसी का प्री वर्कआउट मैं खुद यूज कर रहा हूँ अभी। और भाई और ब्रांड का तो मैं क्या बताऊंगा आपके, एल कार्नी टाइम है, फैट कटिंग में यूज कर लेना। और अगर मल्टीविटामिन लेनी है तो जीएनसी की बढ़िया चॉइस है आपके लिए, तो जीएनसी का यूज कर सकते हैं। और देखिए पीनट बटर है, तो पीनट बटर तो बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया आप यूनिक कंपनी का यूज करें, टेस्ट बढ़िया और इनसे क्वालिटी बढ़िया उसकी, तो उसका अलग से ब्लॉग है। तो आप चाहते हो कि उसके बारे में अलग से बताऊं तो उसके बारे में अलग से नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और भाई इसी रेशमास है, तो यही चीजें हैं, तो अभी अपना सामान लेके चलते हैं हम। और देखिए भाई अगर बजट कम हो ना तो इन गेनर को यूज मत करना कभी, सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, इस वजह से इससे अच्छा जीएनसी का जो वेट गेनर आता है उसे यूज कर लेना, लेकिन इनको यूज मत करना। अगर थोड़ा बजट अपना बढ़ा लेना, अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो वहां से सीरियस माल तो बढ़िया चॉइस है आपके लिए। तो चलिए भाई अब चलते हैं अपने घर पे, सामान को उठाते हैं अपने। तो भाई देखिए आज है मंगलवार, तो मंगलवार को अंडे वगैरह मैं कुछ खाता नहीं हूँ, तो जो मंगलवार को मेरी मील नंबर दो होती है वो है पनीर होता है लगभग 200 ग्राम और 300 ग्राम होते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ये अभी मील नंबर दो है, तो अगर आप भी मंगलवार को नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हो तो पनीर सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको पनीर की जगह कोई और रिप्लेसमेंट रखनी है तो आप सोयाबीन चंक्स रख सकते हो, लेकिन मैं सोयाबीन चंक्स नहीं खाता क्योंकि मुझे खाने में पसंद नहीं है, तो मैं पनीर लेता हूँ, तो आप पनीर भी ले सकते हैं। और देखिए पनीर की क्वांटिटी मैं तो 200 ग्राम ले रहा हूँ, तो आपको 200 ग्राम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बॉडी वेट 60-70 किलो तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, बाकी स्वीट पोटैटो ले या फिर कार्ब का कोई और सोर्स इसके साथ ले, आप ब्राउन ब्रेड वगैरह भी ले सकते हैं। देखिए आजकल क्या है कि ब्राउन ब्रेड का लोगों ने वो बना रखा है कि यार मैदा होता है, भाई अगर मैदा होता है ना तो आपको कोई इतना हार्म नहीं करेगा, तो ये 2-3 ब्राउन ब्रेड आप खा लोगे तो ऐसी कोई आफत उसमें नहीं आएगी। तो अगर आपको जो भी कार सोर्स रखना तो आप वो चीज़ रख सकते हैं। तो आज मैं पोहा नहीं खा रहा, तो मैं पनीर और स्वीट पोटैटो खा रहा हूँ बस। तो भाई लेग्स का वर्कआउट है, तो सबसे पहले क्या करें, अपना एक्सटेंशन पे धीरे धीरे करके 2 या 3 सेट वार्म अप करें। और देखिए वार्म अप में 3 तरह के सेट रखें, एक बिल्कुल लाइट वेट से, दूसरा वेट थोड़ा मॉडरेट लेकिन फेलियर तक नहीं जाना वार्म अप में, थर्ड थोड़ा हैवी। 3 सेट करने के बाद तब जॉइंट वगैरह मसल वगैरह दोनों अच्छे से वार्म अप हो जाए, फिर अपना जो हैवी सेट है जो वो स्टार्ट करेंगे। तो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज है बारबेल स्क्वाट, तो वार्म अप करने के बाद पहले ढंग से वार्म अप कर लेना, फिर नहीं तो बाद में नी का पेन होगा, तो इससे अच्छा वार्म अप करके पहला सेट 100 kg से, उसके साथ सुपर सेट करेंगे अपना एक्सटेंशन, वो भी थोड़ा हैवी वेट से। Three.
टू वन टू थ्री हाँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो भाई इस तरीके से पहला सेट बारबेल स्क्वाट के साथ एक्सटेंशन सुपर सेट दोनों के फर्स्ट सेट में 15 रैप और अपनी इंटेंसिटी तक जाना है, ज़्यादा लाइट वेट से नहीं करना। लास्ट सेट है 140 किलो से, बढ़ा ले बढ़ाल है लग जा प्रदीप बुला ले ओ कम ऑन होल्ड 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 पाँच होल्ड 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 तो भाई लेग प्रेस की तीन वेरिएशन है, तीनों वेरिएशन को एक बार अच्छे से देखना। पहले क्लोज Ah.
वाइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन ट्वेल्व ओह अबे डक प्रेस फीट बिल्कुल बाहर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन भाई लास्ट सेट है सेम रेपिटेशन और सेम तरीके से करना बिल्कुल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर स्लो 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओह आपके लिए काफ करेंगे लेग प्रेस पे हाँ वन ऊपर होल्ड करके टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट स्लो 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 नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व होल्ड 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 पंद्रह हैमस्ट्रिंग की सिर्फ आज एक एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इस वीक में एक दिन अलग से हैमस्ट्रिंग के लिए रखा हुआ है तो हैमस्ट्रिंग को प्रॉपर एक दिन ट्रेन करेंगे आज हैमस्ट्रिंग हम कम करेंगे तो सिंगल से एक्सरसाइज होगी हैमस्ट्रिंग के लिए हो टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो फाइव और एट लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका। देखिए कल हमने किया था बैक और बाइसेप, तो बाइसेप से उसमें एक या दो सेट किए, तो उस तरीके से आज हमने हैमस्ट्रिंग के एक से दो सेट किए हैं। तो जो नेक्स्ट रूल आएगा ना उसमें हैमस्ट्रिंग बाइसेप ट्राइसेप बिल्कुल अलग से करेंगे और तीन तीन चार चार एक्सरसाइज करेंगे। देखिए कोई भी मसल पार्ट लेग नहीं होना चाहिए, तो बॉडी की सिमेट्री को बना के रखना है, प्रॉपर पूरी ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग साइज मसल डेंसिटी सारी चीज़ पे वर्क करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जय श्री राम। तो भाइयों देखिए वर्कआउट भी हो गया है बढ़िया लेग्स का, उसके बाद अपने हमने पोस्ट वर्कआउट मील ले ली थी, वही अपना गेनर और साथ में अपना क्रिएटिन और प्रोटीन को मिक्स करके। और देखिए आज एक थोड़ा पार्टी में जाना पड़ा, तो लंच डिनर था वो वहीं पे किया, तो इस वजह से मैं डिनर को शूट नहीं कर पाया। और बस आपसे एक चीज़ और शेयर करता हूँ, अगर आपको भी कहीं किसी फंक्शन शादी पार्टी में जाना पड़े तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, देखिए लाइफ को एंजॉय करो, फिटनेस को अपने ऊपर स्ट्रेस मत बनाओ, आराम से करो, क्योंकि फिटनेस एक दिन का वो नहीं है, टाइम लगता है बॉडी बिल्डिंग में भी, तो बॉडी आराम से ही बनेगी, तो लाइफ को एंजॉय करो। जय श्री राम।